रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी तो बेटा, आज हमने सिक्स क्लास मैथ का लेक्चर नंबर 9 जो है उसको देखते हैं। एक्सरसाइज आपकी 2B ही है, पेज नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चल रहा था, इसके हमने कुछ पार्ट्स कर लिए थे। आज इसका फोर्थ पार्ट जो है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, कह रहा है फाइंड द डिजिट्स। आपने वो डिजिट्स फाइंड करने हैं रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स जिनको रिप्रेजेंट किया गया है, जाहिर किया गया है किनके जरिए, ए बी एंड सी के जरिए। यानी यहाँ क्वेश्चन में दिए हुए ये वाले अल्फाबेट्स जो हैं ए बी सी, उनकी जगह पर जो डिजिट्स आने हैं वो हमने फाइंड करने हैं कि वो क्या होंगे। तो हम राइट हैंड से जो है हम शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 4 and 2 B। वो कह रहा है कि अगर आप 4 में से बी को माइनस करें तो आंसर आपके पास 6 आना चाहिए। तो बेटा अब आप ये कॉमन सेंस की बात है कि 4 में से अगर कुछ भी माइनस करेंगे तो वो 4 से छोटी वैल्यू आएगी, 6 तो नहीं आ सकता। तो बेटा 6 लाने के लिए हमें ये 14 से कोई बड़ी वैल्यू चाहिए। तो बड़ी वैल्यू के लिए मैं इधर से एक इधर कैरी लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ये क्या हो गया, 1 कैरी आया तो 14। अब 14 में से हम क्या माइनस करें तो हमारे पास 6 बचता है। तो देखें इधर हम करके देखते हैं, अगर मैं 14 में से माइनस, बल्कि अगर हम करते हैं इसको, तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आता है। तो बेटा ये आंसर आएगा हमारे पास 8, यानी बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8 होगी। तो यानी 3 हमारे पास जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 8। यानी अगर 14 में से अब जैसे मैंने इधर 14 में से माइनस 6 किया तो 8 आया। अब हमारे पास अगर इस तरह इसको हम करके देखें, यानी 14 ऊपर है डी की जगह पर, मैं अगर 8 लिखता हूं तो 14 में से 8 गया तो बाकी नीचे 6 बचता है। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो बी का 8 ठीक है। उसके बाद इधर आ जाए तो बेटा एक आपने बात याद रखनी है कि इधर से 1 कैरी यहां पर किया था, तो वो 1 जो है वो भी इसमें हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि सी में से अगर कुछ भी माइनस करे, यानी 3 माइनस करे, तो हमारे पास आंसर 7 आना चाहिए। तो अब सी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, उसको उसका कैसे पता चलेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जब नीचे को डिजिट दिया और ऊपर वाली वैल्यू आपने फाइंड कर दी, तो इन दोनों डिजिट्स को आप ऐड करके देख लिया करें कि ऊपर वाला डिजिट क्या होगा। तो देखिए 7 + 3 अगर हम करें तो क्या आएगा हमारे पास, 10। तो यानी कि यहां पर क्या आना चाहिए, सी की जगह पर 10 आना चाहिए। अब 10 जो है वो सी में ऐसे नहीं हो सकता, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से एक कैरी यहां से इधर लेना पड़ेगा। अच्छा अब बेटा इधर वैल्यू जो है वो 0 तो थी नहीं, क्योंकि यहां से 1 कैरी यहां पे गया था। यानी इस पे अगर हमारे पास 0 है और 1 हम यहां से कैरी लेकर इसको 10 कर रहे हैं, तो ये 0 कैसे हुआ। इस 0 करने के लिए हमें इसमें क्या है कि 1 यहां से कैरी इधर गया था, तो वो 1 यहां पर मौजूद था, ठीक है, जिसमें से कैरी हमने ले लिया था। तो बाकी इधर क्या बच गया था, 0, और 1 इधर से कैरी लेकर हमने इसको 10 करके 3 माइनस करके 7 आंसर लिया। तो यहां से अगर सी की वैल्यू को देखा जाए तो सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यानी वो वाला 1 होगा जो यहां से यहां पे कैरी चला गया था और पीछे 0 बच गया था। तो यानी सी जो है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा फिर यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, क्योंकि 1 इधर सीधे चला गया तो 8 बच गया, 8 में से 5 पे बेटा 3, यानी यहां तक हमारा क्वेश्चन ठीक आ रहा है। उसके बाद इसको अगर देखें तो बेटा 3 में से क्या माइनस करें तो 3 बचता है, तो जाहिर बात है अगर 3 में से कुछ भी माइनस ना करें तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या बचता है, 3। तो यानी ए की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देख लें, ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू 8 होगी और सी की वैल्यू 1 होगी। तो उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।